बीच सड़क मिला गोवंश का कटा सिर। शहर के कालाकुआं क्षेत्र में गुरुवार सुबह डाकघर के आसपास बछड़े का मुंह और पैर कटे पड़े मिले। गोरक्षक दल को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस भी मौके पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी जुटाने में जुटी। स्नातक गोरक्षक दल के सदस्य ने बताया कि कालाकुआं में डाकघर के पास रोड किनारे गाय के बछड़े का मुंह कटा मिला। थोड़ी आगे बढ़ने पर दो पैर मिले, जो बताता है कि गो तस्करों ने बछड़े को काटा है। उसके बाद अवशेष शहर में फेंक दिया गया ताकि माहौल खराब हो। पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर आवश्यक जानकारी जुटाई गई। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आवश्यक जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस लेकर गई अवशेष, जी हाँ, गोवंश के अवशेष पुलिस लेकर गई। पशु चिकित्सालय में अवशेष पहुंचाए गए, वहां उनका पोस्टमार्टम कराया गया। इसके आधार पर आगे जांच को बढ़ाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि शहर में गोवंश के अवशेष फेंक कर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जघन्य अपराध है। किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना एक गंभीर अपराध है। सूचना मिली, क्या हुआ? देखिए, अभी सुबह सनातन गोरक्षा दल को सूचना मिली कि नया बाज चौराहे के पास जो पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे एक छोटे नंदी की गर्दन गिरी, काट के डाल। जैसे हमको सूचना मिली, सूचना मिलते ही हम तुरंत वहाँ पहुँचे। पहुँच कर देखा तो हमको वहाँ छोटे नंदी की गर्दन मिली। तो वहाँ जो सामने घर वाले हैं, उन्होंने बताया कि अभी जो कुत्ते हैं एक दिन पहले पैर और लेके आए थे। मैंने पूछा किस साइड से लेके आए, तो उन्होंने कहा कि जो ये खाली जगह है इस साइड से लेके आए थे। तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी इसके दो पैर पीछे के मेरे को। और ये अलवर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो गो हत्या की जा रही है और इसके अवशेषों को यहाँ ओपन में डाल के ये लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई धारदार हथियार है क्या गले पे? जहाँ तक है इसको गर्दन है जो धारदार हथियार से काटी गई है। बाकी अभी पुलिस प्रशासन पहुँच गया था, उसके बाद में इनके अवशेषों को लेके और पशु चिकित्सालय आएगा। या अभी डॉक्टर साहब जी अलग अलग टुकड़े थे और अभी प्रशासन इस चीज़ को अपने पशु चिकित्सालय में डॉक्टर साहब इसको क्लियर करेंगे कि धारदार हथियार से काटी गई है, कैसे काटी गई है। बाकी ये ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 महीने का बच्चा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी अगर अलवर में इस तरह के काम हो रहे हैं तो सनातन गोरक्षा दल से मैं बिल्कुल ओपन चैलेंज करता हूँ इस चीज़ के लिए। अगर ना गो हत्या होने देंगे और ना